नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राष्ट्रवाद, जिसका अर्थ होता है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत। लेकिन सियासी तौर पर पार्टियों का राष्ट्रवाद क्या है? जब कोई कहे कि सिर्फ उनकी ही पार्टी राष्ट्रवादी, तो इसका मतलब क्या है? क्या बाकी पार्टियां राष्ट्रवादी नहीं? क्या वो राष्ट्र के हित के लिए सोचती नहीं, राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रगति के लिए समर्पित नहीं? क्या सियासी तौर पर राष्ट्रवाद की परिभाषा को अपने अपने अंदाज में गढ़ा जा रहा है और खुद को राष्ट्रवादी खुद की ही जुबानी पढ़ा जा रहा है? यह सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम ही राष्ट्रवादी हैं। तो क्या जो गैर बीजेपी है वो राष्ट्रवादी नहीं? आज बात इसी मुद्दे पर कि खुद को राष्ट्रवादी बता बाकियों पर क्या प्रश्न चिन्ह लगाना सही है, जबकि फरवरी 2022 में मोहन भागवत कहते हैं कि राष्ट्रवाद जैसे शब्द में हिटलर और नाजी की झलक दिखाई देती है। आज बात इसी मुद्दे पर। और जब मैं कहता हूं कि राष्ट्र को मजबूत करना है, तो हमारा विरोधी भी जानता है कि राष्ट्रवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता है। लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ हमने तय कर दिया कि हम गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनके आंसू को पोंछने का और इनको ताकत देने का काम हमने करना है। क्या अब धार्मिक आधार के बाद देश राष्ट्रवाद के आधार पर भी बांटा जाएगा? और जब यह कहा जाता है कि अब एक देश एक निशान एक प्रधान रहेगा, तो इसका भी मतलब क्या है, सोचने की जरूरत है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता अनमीषा गोड जी, आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र शास्त्री जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। निमिषा गोड जी, चर्चा आपके साथ शुरू। मैम, देश में कौन राष्ट्रवादी है, या कहें कि सिर्फ बीजेपी ही राष्ट्रवादी, बाकी कोई राष्ट्रवादी नहीं? विजेंद्र जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र की नीतियों के प्रति, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते हुए, समर्पण रखते हुए अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जी। आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के साथ में अखंड भारत के प्रति समर्पित है। मैंने बहुत सीधा सवाल किया, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? विजेंद्र जी, आपके अपने क्राइटेरिया होंगे, लेकिन राष्ट्र की नीति का मतलब है कि राष्ट्र के प्रति कोई समझौता नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं। अनेकानेक ऐसे उदाहरण है, चाहे वो आर्टिकल 370 को रिमूव करना हो जम्मू कश्मीर से, या ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे। मैं उदाहरण पर तो मैं भी आया नहीं, मैं तो मूल परिभाषा पूछ रहा हूँ, राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी की परिभाषा क्या है? भेदभाव के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि बिना किसी भेदभाव के महिला, दलित, गरीब कि आंसू पहुंचेंगे और राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर विपक्ष जानता है कि यदि राष्ट्र हित की बात करें तो भारतीय जनता अच्छा तो खुलकर कहते हैं ना, फिर कहते हैं कि बाकी सब राष्ट्र विरोधी हैं। देखिए, कुछ पार्टियां क्षेत्रीय क्षेत्र को सेंट्रलाइज हैं, कुछ पार्टियां जाति आधारित हैं, और कुछ पार्टियां तो तुष्टीकरण बेस पर अपनी सत्ता चला रही 7 दशकों से। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रवादी है? मैं आपके शब्दों पर वापस आ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं बीजेपी राष्ट्रवादी है? भारत मैम, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी, अनेक रंग है उसमें से वो रंग सीमित क्षेत्र में। निमिषा गौर जी, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी? देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्र हित को सोचने वाली, राष्ट्र हित के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपको एक बयान सुनाते हैं, बयान है फरवरी 2020 का, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, वो राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिज्म को लेकर क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके से कहते हैं कि अगर कोई कह रहा है कि वो राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रवादी है, तो क्या वो हिटलर और नाजी की राह पर है? इस बयान को जरा सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।
यहाँ बातचीत में शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं, इसलिए आप नेशनलिज्म इस शब्द का उपयोग करते हैं। आप नेशन कहेंगे चलेगा, नेशनल कहेंगे चलेगा, नेशनलिटी कहेंगे चलेगा, नेशनलिज्म मत कहो, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब होता है हिटलर, नाजीवाद, फासीवाद। अब ऐसे ये शब्द वहां बदनाम हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि जब आप राष्ट्रवादी की बात करते हैं तो आप बात करते हैं नाजी की, बात करते हैं हिटलर की, और यहां जेपी नड्डा जी कहते हैं कि हाँ वही सबसे बड़ी राष्ट्रवादी। अब इसका मतलब क्या है निमिषा गौड़ जी? वो मानकर चल रहे हैं कि तानाशाही देश में हो रही है, दोनों हिटलरशिप देश के अंदर चल रही है। आप रेफरेंस को देख करके आप इसको पूरे भाषण को सुनेंगे तो उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी रेफरेंस को आप कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ राष्ट्र का मतलब है हर जाति पंथ धर्म से बिना विभेद करते हुए एक साथ एक नीति। आज लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, अर्थात हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। कि अगर ऐसी स्थिति हो तो हमारे इन शब्द का मतलब ये होगा, ऐसी स्थिति तो हमारे इन शब्दों का मतलब ये होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि भारतीय राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन कर आज एक पूरे विश्व में पहचान बना रही भारतीय जनता पार्टी। आप वर्ल्ड की कंटेस्ट रेफरेंस को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि राष्ट्रवादी यानी कि हिटलर और नाजी की सोच। जेपी नड्डा जी कहते हैं कि राष्ट्रवादी यानी कि जो राष्ट्र के लिए काम करे। सबसे पहले तो यही तस्वीर साफ कीजिए कि दोनों में से कौन सा राष्ट्रवाद सही है और किसकी परिभाषा सही है। देखिए विजेंद्र जी, आप दोनों की रेफरेंस को देखेंगे तो दोनों अलग कॉन्ट्राडिक्टरी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम हर वर्ग के को आंसू पहुंचना चाहते हैं, हम हर वर्ग के साथ हैं और हम पूरे भारत को, हम ही राष्ट्रवादी, भारत के साथ एक राष्ट्र के साथ एक नीति के साथ हम बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ रहे हैं। और राजस्थान के अंदर ये बढ़ते हुए अब मानकर चले कि उस राष्ट्रवाद पर आकर टिक गई है जिसकी परिभाषा को बीजेपी अपने अंदाज में गढ़ेगी और यह बताएगी कि जो राष्ट्र के साथ वो बीजेपी के साथ आ जाए और जो नहीं वो बाकी दूर चले जाए। देखिए विजेंद्र जी, जो आज नड्डा जी ने बयान दिया है ये 2024 की तैयारी है। एक्चुअली बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसने एक नया वार निकाला है कि हिंदुस्तान की जनता को यह बताया जाए कि कांग्रेस ने 70 साल में तुष्टीकरण किया और उसके तहत वो TIPI का एक फैसला हुआ जो सन 2000 में जो माइनॉरिटी को लेकर, उस माइनॉरिटी वाले फैसले में उन्होंने कहा कि रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पर कोई भी स्टेट किसी भी रिलीजन को माइनॉरिटी घोषित कर सकता है। और 2002 में कमीशन बना और कमीशन बनने के बाद में 5 जो धर्म हैं उनको शामिल किया गया, उसमें इस्लाम है, सिख है, बौद्ध है, ऐसे करके 5 थे। और 2014 में, मई 2014 में प्रधानमंत्री जी आए, उससे पहले राहुल गांधी जी जो कल आ रहे हैं जब राजस्थान की धरती पे, उनके पास जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने उनको भी माइनॉरिटी में घोषित करवा दिया। तो जो कुल मिलाकर जिस तरीके से माइनॉरिटी के नाम पर उन जो गेम हो रहा है उसको ये एक्सपोज करना चाहते हैं, ये इनकी थ्योरी है। दूसरा इसमें एक इनकी और साइलेंट थिंकिंग है कि 1976 तक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म वर्ड नहीं था, इसे इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म वर्ड डाला। दूसरी तरफ 1971 में जब बांग्लादेश बना तो मुजीबुर रहमान ने उसे सेकुलर कंट्री कहा और 1988 आते वो इस्लामीकरण हो गया। तो ये वही ट्रैक पे जा रहे हैं कि इस राष्ट्र को कैसे मुजीबुर रहमान की तरह सेकुलरिज्म से हटाकर हिंदू देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन ये जैमिनी जी, मैं तो एक शब्द पर आ रहा हूँ सर जी। मोहन भागवत जी कहते हैं कि अगर आप राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी कहते हैं तो इसका मतलब आप नाजी और हिटलर की सोच के साथ हैं। नड्डा जी कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, अब इसका मतलब क्या है? देखिए विजेंद्र जी, जो भागवत जी ने जो कहा वो अलग कंटेस्ट में था, जैसा भी मैम ने कहा। आज जो ये बोले हैं वो इस पर रेफरेंस में है कि राष्ट्रवादी का मतलब जो राष्ट्र के प्रति चिंतन करे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका चल रही है, उस याचिका में साफ लिखा गया है कि मुफ्त के अनाज से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो शाहीन बाग वाला प्रदर्शन करते हैं, उस पर फैसला आना बाकी है। तो जो तमाम देश की स्थितियाँ हैं, आज 7 से 8 स्टेट में हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, तो बीजेपी ये पूछना चाहती है कि कांग्रेस ने उनको
अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया। तो ये जो बड़ी लड़ाई है, आज ये राष्ट्रवादी जो वर्ड बोल के गए हैं, ये 2024 का एक आपको साइलेंट एक परिपेक्ष दिखा के गए कि 2024 में इस देश की जो राजनीतिक सियासत जी राजनीति है, और अगर बढ़ना है तो धर्म के आधार पर नहीं, राष्ट्रवाद के आधार पर बटिए। बिल्कुल, इसका मतलब तो यही हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र शास्त्री जी, सर जिस तरीके से मुद्दे बदलते चले जाते हैं और वो तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं वो गौण होते चले जाते हैं, और कभी धर्म, कभी जाति, कभी राष्ट्र, और अब राष्ट्रवाद, ये हावी हो रहा है। मूल मुद्दे तो सियासत से दूर ही जा रहे हैं, लड़ेंगे कैसे? जी देखिए, जो आम जनता है उनको इस थोथे राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है। ये कुछ भी नारेबाजी करें, इसका कुछ उठने वाला नहीं है। देश के अंदर ये आवाज़ अब उठने लगी है कि जो नाकारा लोग हैं वो इस तरह के थोथे जुमले लेकर के आते हैं, इनको अब वोट पड़ने वाला नहीं है। ये यूपी में वोट किसको पड़ा सर? आप ये देखिए, पंजाब में किसको पड़ा? पंजाब में, अरे सर छोड़िए ना, एक पंजाब को, एक पंजाब जीत लिया तो मतलब सियासत बहुत पूरे देश की थोड़ी ना बदल गई। पंजाब से 5 गुना बड़ा है यूपी। यूपी के अंदर कहां नजर आई आम आदमी पार्टी? लेकिन वहां पर कोई राष्ट्रवाद का, आप कर्नल को लेकर उत्तराखंड में उतरे थे सर, क्या हुआ वहां पर? वहां राष्ट्रवाद का इशू नहीं था, और जनता को अभी सिखाना बताना बाकी है। जनता भूली है उसको, राष्ट्रवाद जैसे थोथे जुमलों के अंदर फंसाया जा सकता है ये हम जानते हैं। और ये जो है स्ट्रेटेजी, मैं समझता हूँ देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है कि उनके मूलभूत इश्यूज से भटका करके उनको हवाबाजी में उलझा दिया जाए और उनके वोट चोर लिए जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो उस वक्त की है बात जब उनके सामने ये सब चुनाव का माहौल नहीं था, तब उन्होंने ये राष्ट्रवाद की परिभाषा उन्होंने स्पष्ट की कि ये सब हिटलरवादी है, और इसमें कुछ शक भी नहीं है। आप देख लीजिए जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं जी, उनके काम देख लीजिए, उनके एटीट्यूड देख लीजिए, सारे के सारे हिटलरवादी एटीट्यूड हैं। आप ये सोचिए कि जो सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, जो कि आप देख रहे हैं लगातार ये हो रहा है। जो लोग इस देश की एकता और अखंडता को धर्म में और संप्रदाय में बांट रहे हैं, शास्त्री जी आंकड़ा आप देंगे या मैं दूसरा? पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार बनने के बाद कितने किसानों ने आत्महत्या की है, आप दें या मैं दूं आंकड़े, बताइए सर। देखिए ऐसा है कि अभी तो, और वो बयान भी सुनाऊं जब भगवंत मान ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के अगले दिन से कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ले देख करके देखिए, 2 महीने हुए हैं सरकार को काम करते हुए, आप थोड़ा बहुत समय दीजिए। आपने पंजाब का उदाहरण दिया सर, मैंने सोचा कि आपको पंजाब में थोड़ा, पंजाब में इससे ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं सर पंजाब में। विजेंद्र जी, पंजाब में हालात ठीक हो रहे हैं और ये भी ठीक होंगे। अगर ये हुआ है तो उसको सरकार सर, अगर नहीं है, ये आंकड़े हैं सर, और उसको उसका सॉल्यूशन भी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरआर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। आरआर तिवारी जी, कांग्रेस जहां लड़ने की सोचती है बीजेपी उससे 4 कदम आगे चली जाती है, लड़ेंगे कैसे बीजेपी से? सवाल लड़ने का नहीं है विजेंद्र, सवाल है कि छद्म राष्ट्रवाद का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का जुमला है वो सही कह रहे थे मोहन भागवत जी, हिटलर की मौत खुद को आनी पड़ती है। और आज भारतीय जनता पार्टी देश में जो कुछ जिस कदम पे चल रही है वो हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पे चल रही है, और आज नहीं कालांतर में अच्छा लग रहा है। आरआर तिवारी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, 4 दिन पहले तक आपके ही मंत्री कह रहे थे, आपके ही नेता कह रहे थे कि जो दंगे हो रहे हैं उसमें आरएसएस का हाथ है, और आज आरएसएस प्रमुख आपको अच्छे लगने लग गए हैं। सवाल है जब वो कमाल है, अच्छी बात तो अच्छी बात ही कहेंगे जी, मतलब की बात अच्छी लगती है। भारतीय जनता पार्टी की जो जनक है अगर उसके प्रमुख अगर कहते हैं तो सच्चाई कह रहे हैं, और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए देश को धर्म में बांट दो, देश को जातियों में बांट दो, देश को हिंदू मुसलमान में बांट दो, सत्ता पर काबिज तो हो जाओगे। हिंदुत्ववादी किसने गढ़ा? आजादी के पहले कांग्रेस पैदा हुई, आजादी करवाई। महंगाई रैली में आरआर तिवारी जी, महंगाई रैली में जयपुर के अंदर हिंदुत्ववादी का नया नारा किसने दिया, नई परिभाषा किसने दी? तो हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू राहुल गांधी भी है, हिंदू सोनिया गांधी भी है, हिंदू अशोक गहलोत भी है। वही तो हमने ये कहा, जैसे आप लोगों ने हिंदुत्ववादी की नई परिभाषा गढ़ी उधर से राष्ट्रवादी की नई परिभाषा गढ़ दी गई।
हिंदुत्ववादी का मतलब है जो गोडसे की पूजा करते हैं। हिंदू हमेशा धर्म निरपेक्ष होता है, सब पंथों को साथ लेकर के चलता है। अरे भारत का पहले जब 5000 साल के शासन में भारत के कितने विदेशी आक्रांता आए, केवल अंग्रेज था जो यहाँ से गया, बाकी सारे आक्रांता इसी देश की मिट्टी में घुल मिल गए। उनका कहीं पता लगा क्या? ये देश में हम सब का बना, हम सब का रक्त है, हम सब ने देश को बनाया। और आज ये भारतीय जनता पार्टी में 2014 से पहले भी देश में 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कभी ऐसा राष्ट्रवाद नहीं बनाया। ये लोग देश की आजादी के अंदर मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने देश को सिविल वार की ओर घसीट रहे हैं। आने वाला युवा पीढ़ी आज मैं तो कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूं आपसे सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो भी कर रही है वो अपनी आगे की प्लानिंग करके कर रही है, और सियासत में चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस अगर सिर्फ चिंतन करती रहेगी तो फाइट कब करेगी? मैं कह रहा हूँ विजेंद्र, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए, गांधी का चरखा चलाना पड़ा, वो बुलडोजर पर भी बैठे थे। वहाँ बुलडोजर बाबा के आप, क्या हमारे देश के अंदर बुलडोजर से विकास होता है? अरे सर आप भूल गए, वो बुलडोजर पर भी बैठे गए थे। कालांतर में हजारों साल तक गांधी और गांधी की नीतियां देश के लिए काम में आई। वो बुलडोजर पर भी बैठ के गए थे, फोटो खींच के गए थे। अरे वो तो अडानी को मोबिलाइज किया था जी, अडानी की कंपनी है बुलडोजर के, अडानी के नाम पर आपने लाखों करोड़ जमीनी देश के अंदर मैं आपके पास आऊंगा मैं। लेकिन मिथिलेश जमीनी जी, क्या वाकई में ऐसे शब्दों से बचना नहीं चाहिए सियासत के तौर पर जो देश को बांटते हुए नजर आए, और वो कोई भी शब्द हो? आप एक सीधी राजनीति कीजिए, जो आपके पक्ष में होगा पक्ष में, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और इस ब्रह्मास्त्र का कैसे प्रयोग करना है इससे भाजपा से बेटर कोई नहीं जानता जी। 2014 से देखकर आज तक देख लीजिए, इन्होंने जो भी शब्द घड़े हैं उन शब्दों को आम आदमी के जहन में उतारने का भी काम किया। केवल घड़े नहीं है, इनकी प्रयोगशाला में जो वेपन तैयार होता है वो असर कारक है। तो ये जो राष्ट्रवादी वेपन है ये बहुत मजबूत वेपन है। अभी जो 2002 वाली जो लागू किया माइनॉरिटी कमीशन, उसमें 2 चीज़ों की डेफिनेशन देना बाकी है। उसमें लैंग्वेज और डायलेक्ट, जो भाषा और बोली में अंतर है, वो भी तय नहीं हो पाया जी। और ऐसे ही रिलीजन और धर्मा में आज तक कोई डेफिनेशन नहीं है। ब्राह्मण भी एक रिलीजन है अभी तक। अगर ब्राह्मण कहीं माइनॉरिटी में, तो कल ब्राह्मण कहेंगे हमें भी ब्राह्मणों को भी शामिल कर लीजिए माइनॉरिटी में। ये इस देश में बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और इस जंग को अब हवा देने की जरूरत है। तो कैसे गलतियां हुई आप ये देखिए, पहले कोई विदेश का आदमी आता था, मेहमान आता था, तो हम ताजमहल देते थे। नरेंद्र मोदी ने गीता देना शुरू कर दिया। तो ये जो लोगों को ब्रेन को पढ़ के, अब ये इसको कितना ये कामयाब होते हैं ये तो रिजल्ट बताएंगे, लेकिन लोगों के ब्रेन को पढ़ के और उन गलतियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं जो 70 साल में किया। लेकिन सर और जितना ताजमहल है, गीता भी देश के लिए उतनी ही जरूरी। देखिए गीता, अगर किसी की फिलोसफी ताजमहल को नहीं पुरस्कृत करती है और गीता को करती देखिए, आप ताजमहल पे भी तो जंग छिड़ गई कि ताजमहल को बोल दिया कि जयपुर राजघराने की संपत्ति है। तो तमाम जो चीजें हैं, ज्ञानवापी पे चल ही रहा है मामला। तो इस देश में अब जो 70 साल में इनको लगता है गलतियां हुई बीजेपी का, इनका थिंक टैंक, वो सब धीरे 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 लाके जनता के सामने बेनकाब करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप ये कह रहे हैं कि अब अगले 2-3 साल तक हमें सिर्फ राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी सुनाई देगा। बिल्कुल ये सुनाई देगा। ठीक है निमिषा गौड़ जी, भूल जाएं मैम कि बेरोजगारी कितनी है, भूल जाएं कि अर्थव्यवस्था कहां जा चुकी है, भूल जाएं कि महंगाई कहां जा चुकी है, भूल जाएं कि आम आदमी का जीवन स्तर कहां जा चुका है, भूल जाएं कि गरीबी में हम विश्व वैश्विक स्तर पर कहां खड़े हैं। बस ये याद रखें कि राष्ट्रवाद क्या है। विजेंद्र जी, माँ माटी के जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के लिए यहां पर बैठे लोगों ने छदम और थोते जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे अशोभनीय शब्दों के प्रयोग के लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि हम और हमारा देश और हमारे देश में रहने वाले लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज सुरक्षित हैं, सम्मानित हैं, क्योंकि भारत की जो नीतियां हैं, भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत बेहतर है। लेकिन भारत की राजनीति में
और यहाँ पर थोथी राजनीति कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान है। और आप ही बताइए बात कहाँ से आ गया? आप तो सैनिकों की शहादत पर आप प्रमाण मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। अरे आपने तो राजनीति नहीं की, आपने तो तुष्टिकरण किए। आज भी आप कह रहे हैं मुगलों की सत्ता नहीं भूले हम। अरे राजस्थान को जला के रख दिया आप लोगों ने। निमिषा गौर जी, निमिषा गौर जी, क्या मेरे पास वक्त की कमी? निमिषा गौर जी मुझे ये बताइए, क्या सच्चा राष्ट्रवाद ये नहीं कि हर घर में रोजगार हो, हर भूखे पेट को भोजन हो, महिलाएं सुरक्षित हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर हो? क्या ये राष्ट्रवाद के हिस्से हैं या नहीं? या सिर्फ राष्ट्रवाद वही जो आपके साथ खड़ा है, बाकी सब छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी के सेकंड अभियान के माध्यम से जितनी ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली है। और आप देखिए पूरी दुनिया ने जब कोविड महामारी झेली है तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को सीधा राशन पहुँचाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान एक ऐसा अभियान है। देवेंद्र शास्त्री जी सर, सियासी तौर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सामाजिक संगठन नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए सियासत में अपने अपने हिसाब से जुमले भी गढ़े जाएंगे और शब्द भी राजनीति करते हैं। मतलब कैसे करेंगे? देखिए राष्ट्र किस लिए बनाया जाता है? लोगों का समूह राष्ट्र में क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि वो अपने बहबूदी अपनी समृद्धता अपने विकास के लिए राष्ट्र का निर्माण होता है, देश बनाया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टी देश के विकास के अगेंस्ट चलती हो और जुमलों में चलती हो वो राष्ट्रद्रोही है। और दिल्ली, दिल्ली को फ्री फ्री करके बर्बाद कर दिया आपने। और दिल्ली की पुलिस शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र शास्त्री जी, निमिषा गौर जी, मिथिलेश जैमिनी जी और आरआर तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया। राष्ट्रवाद वही जो राष्ट्र के लिए, बाकी सब आप भी जानते क्या है। नमस्कार।